एक लड़की के लिए मुश्किल तब होता है जब उस पर रिश्तेदार नहीं, पूरी दुनिया नहीं, बल्कि उसके खुद का परिवार जो है जब उस पर विश्वास ना करे और उस पर शक करने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ उर्फी जावेद के साथ। खुद का परिवार जब उन्हें पौंस चा समझने लगा, ऐसी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलकर अपना नाम बनाना उर्फी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इस बात का जिक्र जो है उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में किया है। अपने भाई बहन के साथ वो घर छोड़कर आ गई, पार्क में रहकर उन्होंने दिन बिताए हैं। तो ये सारी बातें जो है उर्फी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कही। तो अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक जो है उर्फी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरे पिता, मेरी कुछ फोटोज जो हैं वो एडल साइट पर अपलोड हो गई, जिसके बाद मेरे पिता ने भी मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। रिश्तेदार मेरे बैंक खाते की जांच करते थे ताकि छिपे हुए पैसों का पता लगाया जा सके। उर्फी ने कहा कि इस घटना के बाद 2 साल तक मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा। रिश्तेदार मुझे पौंसचा समझने लगे थे। वो लिखती हैं कि मैं 11वीं कक्षा में थी। तो सोचिए 11 साल की एक बच्ची जो मुझे लगता है 15 या 16 साल की रही होंगी। ये दौर मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन था क्योंकि परिवार वाले भी मेरा समर्थन नहीं कर रहे थे। ऐसे वक्त में परिवार ने मुझे दोषी ठहरा दिया। लोग मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करते थे, मुझे अपना नाम भी याद नहीं आता था, किसी लड़की को मेरे साथ नहीं जाने दिया जाता था। इस अनुभव के बाद मैंने खुद पर भरोसा किया। मेरे पिता जब मुझे पीड़ित दोषी ठहराते थे, मैं कुछ नहीं कहती थी। इस यातना को झेलने के अलावा मेरे पास कुछ था भी नहीं। मुझे हमेशा कहा जाता था कि लड़कियों की आवाज़ नहीं होती है, केवल पुरुषों को ही निर्णय लेने की अनुमति होती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास आवाज़ है, लेकिन जब मैंने अपना घर छोड़ा तो मुझे सर्वाइव करने में काफ़ी वक्त लगा। अब मेरा व्यक्तित्व सामने आ रहा है और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इंटरव्यू में उर्फी ने यह भी कहा कि घर से भागने के बाद उनको कुछ दिन पार्क में रहना पड़ा था। उनका कहना था, मैं अपनी माँ और 2 अन्य भाई बहनों को छोड़कर अपनी 2 बहनों के साथ घर से भाग गई और दिल्ली में 1 हफ्ते एक पार्क में रही। फिर हम तीनों ने नौकरी की तलाश शुरू की। एक कॉल सेंटर में मुझे नौकरी मिली। मेरे पिता ने उस वक्त दूसरी शादी कर ली थी और परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। तो ये उर्फी जावेद ने अपने ऊपर आपबीती सुनाई है कि कैसे उनका स्ट्रगल बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पर एक दिन उन्हें रोते हुए, इमोशनल होते हुए भी देखा था, जब वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी और शेयर कर रही थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। ऐसे में अब उर्फी ने उनके साथ हुई चीज़ों को खुलकर शेयर किया है।